नमस्कार दोस्तों, यूपी बीओसीडब्ल्यू की वेबसाइट से अब आप सीधे श्रम कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप श्रम कार्ड डाउनलोड करने लगते हैं तो यहाँ पर ये आपके नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है, जबकि ओटीपी वहाँ पर जाती ही नहीं है, तो आप श्रम कार्ड नहीं डाउनलोड करते हैं। श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए मैं आज आपको एक नया मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पर इस मेथड से आप बिल्कुल बिना ओटीपी भेजे किसी का भी श्रम कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमेशा अमेजिंग वीडियोस तुरंत मिलें। तो श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी बीओसीडब्ल्यू की वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको श्रमिक पर क्लिक करना है। श्रमिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पंजीयन की स्थिति लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आप जिसका श्रम कार्ड डाउनलोड करना है यहाँ पर उसका आप आधार नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर, या फिर अगर आपके पास आवेदन संख्या है तो आप आवेदन संख्या डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपको वैसे का वैसा फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे और लेबर की पूरी प्रोफाइल यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको उसके पंजीयन संख्या को कॉपी कर लेना है। तो मैंने ये पंजीयन संख्या सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यूपी बीओसी की वेबसाइट को सीएससी से लॉगिन करना है। सीएससी से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको पंजीयन स्थिति दिख रहा होगा लास्ट में, सबसे कोने में। तो यहाँ पर आपको पंजीयन स्थिति पे क्लिक करना है। पंजीयन स्थिति पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर एक नया फॉर्म खुलेगा आपके लिए। अब आपने जो श्रमिक का पंजीयन संख्या कॉपी किया है यहीं पे आपको वैसा ही पेस्ट कर देना। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त यूज़ किया था, यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर भी भर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे श्रमिक का नाम और उसके पिता का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको जनरेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसकी सर्टिफिकेट आ जाएगी। सर्टिफिकेट खुलने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट को प्रिंट कर पाएंगे।